हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। जो लोग भी आधार कार्ड यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि आपको अपने आधार कार्ड में कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। उन डॉक्यूमेंट में एक होगा आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक होगा आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या आएगा और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या आएगा, इसे कैसे अपलोड करना है आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में आपको अपने आधार कार्ड में जो अपडेट करना है, जो उसकी लास्ट डेट है वो आपका 14 सितंबर 2023 तक का ही है, ठीक है। अब पता नहीं डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल लास्ट डेट आपका 14 सितंबर 2023 है। इससे पहले ही आपको यह काम कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी uidai.gov.in, इसको आप अपने फोन के ब्राउजर में ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। लिखा हुआ है कि प्लीज अपडेट योर आधार कार्ड फॉर कंटिन्यू एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो इस जो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बैनर पे भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो इस बैनर पे आपको टच करना है। टच करने के बाद ठीक यहां से लिख देगा कि वेलकम टू माय आधार, फिर नीचे है आपका लॉगिन, नीचे फिर लिखा हुआ है कि लॉगिन विथ आधार एंड ओटीपी, फिर इस लॉगिन पे आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद यहां से जो ऊपर लिखा हुआ है कि इंटर आधार, यहां पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा। फिर है आपका इंटर एवो कैप्चा, जो ऊपर का कैप्चा है वो यहाँ पर डालिएगा। और अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अगर जुड़ा हुआ है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को जहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर ओटीपी, यहाँ पर डाल कर लॉगिन कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं। जैसे ही आप अपना आधार नंबर फिर ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, जहां पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट अपडेट, ठीक है। इसकी लास्ट डेट आपका 14 सितंबर 2023 तक का ही है, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। उस 14 तारीख तक आप इसे फ्री में कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद आपको पैसा पे करना पड़ सकता है। जैसे कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना था तो शुरू में फ्री था और बाद में आपको पैसा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI और जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है POA, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो आप इस पे टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा देखने को आ जाएगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिखा भी है कि दिस सर्विस इज फ्री फॉर कॉस्ट टिल 14/9/2023, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कीजिएगा उस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से जो भी है आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स वो आ जाएंगी, देख लीजिएगा अगर आपका ही है तो। फिर नीचे है यहाँ पे कि आई वेरीफाई दैट अबो डिटेल्स आर करेक्ट, तो इस पर आप टच करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो यहाँ पे गाइडलाइंस है, पहले वहाँ पे कि जो आपकी डॉक्यूमेंट की साइज होनी चाहिए वो 2 MB से कम होनी चाहिए। आप यहाँ पे जो भी आप फाइल करें वो JPEG, PNG या PDF, ये तीन फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपका SRN नंबर ये शो कर देगा, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट का जो भी स्टेटस होगा उसे आसानी से चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे है कि पहला कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, चलिए हम लोग जानते हैं कि जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है
उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग टच कर देते हैं। यहाँ से है आपका कि मेडिकल क्लेम इशू वाइज से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इस टाइप से कोई, अगर आपके पास डिसेबिलिटी आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी जेंडर एक्सपेक्शन यानी अगर मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्जन इस टाइप का कुछ हो, गवर्नमेंट आईडी हो जिसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार मनरेगा, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, फिर आपका इंडियन पासपोर्ट है उसे यूज कर सकते हैं, कि किसान फोटोग्राफ पासबुक यूज कर सकते हैं, मार्कशीट अगर आपका हाई स्कूल का है कोई भी उसे यूज कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट हो या ओल्ड POI डॉक्यूमेंट हो उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं, जो भी अगर नेपाल से हैं, भूटान से हैं, वो अपना वोटर आईडी कार्ड जो कि कुछ लिमिटेड फोटो आईडी सर्टिफिकेट है उसे यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, कोई अगर पेंशनर है तो वो जो पेंशनर फोटो कार्ड है उसे यूज कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर फोटो कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है। ठीक है, और आप यहाँ से जो आपका PDF फोटो कार्ड और ई राशन कार्ड है उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसे भी यूज कर सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी TC भी आप यूज कर सकते हैं, और नीचे है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाई, इसे भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से जो भी चीजें हैं उसे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड भी है, वैलिड वीजा है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां से आपका, मेरे पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आप ई पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं, तो हम पैन कार्ड पर टच कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद यहां से आपको ये डिटेल जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। ठीक है, फिर चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में कोई भी अगर अलॉटमेंट लेटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज उनके द्वारा इशू किया गया हो, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, डिसेबिलिटी आई कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, गैस कनेक्शन 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी कार्ड जी जिसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड, ठीक, इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से जो भी हो आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ से उसको आप अपने ये प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैंने अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद जो व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस पे आपको टच करना है। ठीक, टच करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप फिर आपको टच करना है कि कंटिन्यू टू अपलोड, चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो भी ये लिखा हुआ उसे पढ़ सकते हैं। अपलोड टू कंटिन्यू पे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ से 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, कैमरा, 2 कैमरा है, फिर ये फाइल है। तो अगर आपके फाइल में वो डॉक्यूमेंट है उसे आप यूज कर सकते हैं, या कैमरा से भी फोटो खींच के आप उसे यूज करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोनों डॉक्यूमेंट फटाफट अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप अपने यहाँ डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे, तो अपडेट करने के बाद एक यहाँ पे हियर बाई है, इस पर आपको टिक कर देना है, फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट पर टच कर देना है। टच करने पे यहाँ पर कहेगा कि प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफी डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ठीक है, इस तरह थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद लिख रहा है कि डियर रेसिस्टेंट, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14/9/2023। बाद में ये डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा नहीं पता, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू है वो 14/9/2023 का ही डेट है।
अगर आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर अटैच है तो आप सेल्फी बाय मोबाइल नंबर या लैपटॉप आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे अपडेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। फिर नीचे है सबमिट, इस पर आप टच कर दीजिए। ठीक है, टच करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है कि एस्टिमेटेड टाइम ये रनिंग चल रहा है 15 सेकेंड का, प्लीज़ वेट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका लगेगा तो वो ट्रांजेक्शन की स्लिप भी आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा टाइम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस लिख दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, तो ये आप डाउनलोड पे टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह आपके पीडीएफ में खुल जाएगा। फिर नीचे है कि गो टू डैशबोर्ड, तो आप गो टू डैशबोर्ड पर टच कर दीजिए। फिर से आप जो आपका होम है वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर बाय द वे आप जब भी आधार कार्ड अगर अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं और किसी कारणवश आप बार बार पीछे आ जा रहे हैं या सर्वर इरर हो जा रहा है, तो आप जैसे ही अपना आधार कार्ड डालकर लॉग इन करेंगे तो ऐसा जो पेज खुलेगा तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट अपडेट पर नहीं जाना है। आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे आप यहाँ से टच करके जिस भी लेवल तक आप पहुंचे होंगे, जहां से भी आपका बैक आया होगा या सर्वर डाउन की वजह से रुक गया होगा, वो यहाँ से टच करके आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्राफ्ट स्टेज पेमेंट ये वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। अब देखना है कि कब तक यह वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो हम आपको एक अगले वीडियो में इसे बता देंगे। ठीक है, अब वेट हम कर लेते हैं। तो मेरा वेरिफिकेशन स्टेज में जा चुका है। फिर है आपका उसके बाद वैलिडेशन स्टेज, फिर है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि कब तक ये बैकएंड सिस्टम द्वारा ये हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी आप अपने आधार कार्ड में जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपडेट करना है 14 सितंबर तक उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जान चुके हैं कि आपको अपना जो आधार अपडेट करना है, जो डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, वो कैसे करना है। ठीक, हो सकता है कि कुछ लोगों को सर्वर इरर आए या बार बार ट्राई करना पड़े, क्योंकि आधार की जो वेबसाइट होती है वो अक्सर डाउन चलती है। मैंने भी 5 या 6 बार ट्राई किया तब जाके मेरा ये अपडेट हुआ है। साथ ही हम जो कोई भी अगर फाइल मैनेजर से या आपका जो कैमरा है उसे फोटो खींचकर अपलोड करने का प्रयास कर रहे थे, वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। पता नहीं ये कोई टेक्निकल इश्यू है ये आधार की वेबसाइट का कि क्या, मुझे नहीं पता। सो मैंने जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपका भी अगर फोटो से अगर अपलोड नहीं हो पाता, तो एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके जो उसका लिमिटेशन साइज है उसको ध्यान में रखते हुए ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि सक्सेसफुली आपका अपलोड हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर किसी अदर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए और अगर आपका कोई सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।